मैं समझ सकता हूँ कि आपका इशारा हमेशा की तरह किसकी तरफ है। आपकी जान को एक ही दुख है चुगताई साहब। चुगताई भाई, हमें कोई दुख नहीं है और ना ही हमें अल्लाह के फजल से कोई इशारेबाजी आती है। जब भी बात करेंगे सीधा करेंगे तीर की तरह। आपको मोहल्ले में चुगताई साहब के अलावा आपके व्हाट्सएप नजर नहीं आते? हम किसी के मुखालिफ नहीं है, मगर इतनी दुआ जरूर करेंगे कि अल्लाह ताला गंजे को नाखून ना दे, बहरे को मोबाइल ना दे और चुगताई जैसे लोगों को दौलत ना दे। सड़ो सड़ो रेलिया, वो क्या कहते हैं, वीरानियां समेट कर सारे जहान की, जब कुछ ना बन सका तो मेरा दिल बना दिया। उसी के बरवजन कह रहा हूँ, बेशर्मियां समेट कर सारे जहान की, जब कुछ ना बन सका तो ये चुगताई बना दिया। अपनी जुबान पर लगाम दो लतीफी, मैं तुम्हें बता दूं। अरे जुबान तो आज ऐसी खुलेगी कि तेरा बाप भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। बाप तक मत पहुंचना, मैं तुम्हें बता दूं। चुगताई जुबान दंदा थले रख। सिर्फ 4 फुट का फासला है आपके गिरे बाण तक हाथ पहुंचने। नहीं, नहीं 4 फुट का तो तुम खुद है। तुम क्या 4 फुट का फासला सुनाएगा? यानी जुनेद मियां, क्या जमाना आ गया है कि सारी सर्दियां मौसूफ ने गली के बीचों बीच लतीफ स्ट्रीट जिसका नाम है उस गली के बीचों बीच 4 फाई बिछाई रखी। चले खैर है, 2 मिनट के लिए लतीफ स्ट्रीट ही बंद हुई है ना, कौन सी लाहौर की माल रोड बंद हो गई है? लतीफी स्ट्रीट बंद होने की कोई ऐसी टेंशन नहीं है, इसलिए कि लतीफी स्ट्रीट पूरे लाहौर में मशहूर हो चुकी है। तो वो तो लोगों को पता है, अगर यहाँ से गाड़ी उतारेंगे तो एक बेहुदा शख्स वहां पे 4 बजे पे बैठा नजर आएगा, इसलिए गाड़ी उसी मुनासबत से उस तरफ लेके आती है। मगर बात ये है कि जो वहां पे हमारी मोहल्ले की हमारी गली की खवातीन गुजर रही होती है और मौसूफ जो तागा जहांगी कर रहे होते हैं, उसका हिसाब इनसे कौन लेगा? बहुत अच्छे सन बात को तुम गलत रंग दे रहे हो, तुम्हें बता दूं। सन बात तू ने लेना है, बता जरा, सन बात लेना है तो अपनी छत को खाली रख, उधर क्यों कबूतरों की रिहायशी स्कीम बनाई हुई है? छत पे बैठो तो कहते हो कि बेपर्दगी होती है। कौन कहता है कि बेपर्दगी होती है? आप लोग, हमारा क्या दिमाग खराब है? हमें नहीं मालूम कि मौसूफ जितने हैं मुनीर के ऊपर से देखने के लिए भी नीचे 3 फुट का स्टूल चाहिए। और अगर कबूतरों की रिहायशी जमीन में फिर रहे हो तो पता ही नहीं चलता कि कबूतरों के खाने वाले बर्तन कौन से हैं और बीच में चुगताई साहब कौन सी। हदूद क्रॉस मत करो। अरे कौन सी हदूद, हो चुकी क्रॉस। बस जितना हक आप लोगों का है उतना ही हक मेरा उस मोहल्ले पे। अभी बताते हैं तुम्हारे हक को। देखिए, एक तो गली के अंदर बेहूदगी, एक छत के ऊपर भी, छत के ऊपर मौसूफ ने इससे जात के और ऐसे ऐसे फौश कबूतर रखे हुए हैं कि जब भी आपकी भाभी छत के ऊपर जाती है फौरन इनको देख के गुटरगूं गुटरगूं करना शुरू कर देती। अच्छा, और चंद बेहुदा तो ऐसे हैं कि उड़ के हमारी मुंडेर पे आ बैठते हैं और आपकी भाभी की तरफ देख के यूं यूं इशारेबाजी भी करते हैं। निकालिए निकालिए कुंवर, हम गुटरगूं कर रहे हैं, कुंवर निकालिए। दीदी साहब क्यों आप गुस्सा कर रहे हैं? हो सकता है कबूतर यही कहते हो, घुंघट निकालिए घुंघट निकालिए घुंघट निकालिए। ऐसे भी अनजान नहीं है हम बेबाकायदा उनकी गर्दन की हरकत के साथ गा के देखा है वो दिल में क्या कह रही है। माहिया वेगा मैं बुलाना ले धरती सजाऊंगी। बिल्कुल लक्का कबूतर लग रहे। ये लक्का और मैं लक्की जिनकी मुझसे शादी हो गई। एक तो आपकी मोहब्बत खत्म होने का नाम नहीं लेती। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, टूट के प्यार करती है आपकी भाभी। आपके घुटना भी टूटा हुआ है, दोनों टखने भी टूट गए थे, ऊपर वाली छत से एकदम घबरा के नीचे गिर गई थी और कोनी की हड्डी भी टूटी हुई है और इसी बदबख्त ने क्रिकेट वाला गेंद मार के तो हड्डी तोड़ी हुई है कोनी की। हमारे ऊपर इल्जाम ना लगाइए, सीधी तरह बताइए, आपके साइकिल के पहिए में आ गया था चची का दुपट्टा। जब कहा आपका तो कितनी सारी हड्डियां टूट गई है तो कहने लगी कोई बात नहीं,
अब आपसे टूट के प्यार करना चाहता हूं। ये निया हड्डिया टूटिया लतीदी साहब, तुसी भाभी दी गल कर रहे हो या कमांडर माना जट दी गल कर रहे हो? माना जट बना दिया मुझे भाभी की किसी और हड्डी टूटने का काम नहीं था, ये जब कोनी वाली टूटी है ना फिर इन्होंने बड़ी कमी महसूस की है, क्योंकि 3 माह तक भाभी फिर ये कहने के काबिल नहीं थी, लतीफी साहब दाल चावल पकाऊं? पूछती क्या, पका ही नहीं सकती थी, डोई फेरने के लिए तो मुकद्दस जाती थी इनके घर में। ओए होए होए, इनकी तो सबसे बड़ी डिश ही दाल चावल है, ऐसे पाए के नवाब हैं ये। पाए के तो है ना। अरे पाए भी पकाए हैं कई दफा अल्लाह के फजल से। जब बड़ी ईद पे पूछिए जरा बट को, बट के साला साहब जो पाए दे के गए, बड़े पाए जब आए थे, बड़े के आए थे पाए, तो दो पाए आए थे, एक बट के घर में पके, एक पाए हमारे घर पका था। पूछिए पूछिए, हम कुछ उठोल रहे हैं, पूछिए। पकाए थे, बीच में आलू डाल लिए थे। पाए आलू भी पहली दफा सुनाइए, कहाँ के नवाब है, पायों से भी नफरत करवा दी। हम अल्लाह के बदल से आपकी भाभी को जिंदगी में साथ लेके चले हैं, ये पाए नहीं खाती, हमने कहा ठीक है ये आलू खाती रहेंगी, हम पाए खाते रहेंगे, गोवर्धन खा लिए ना। अच्छा जी, आप बतावी हो रही है। अच्छा, नजर पड़ रही है लोगों की। अच्छा। आज ये है पोजेसिव है, बहुत ज्यादा लतीफी साहब भाभी के मामले में पोजेसिव। अरे भाई जिंदगी इनके लिए गुजर रही है, वरना कब की खत्म हो चुकी होती। लतीफी साहब ऐसे तो ना बोले, ये बकरी हुई अफगानिस्तान की फिरदौस बेगम बनी होती है। आज ये है कि हम ये नहीं कहते कि इनका कोई हक नहीं है मोहल्ले में, मगर ऐसे हक से बात रहना चाहिए जिससे आपके दूसरे मोहल्लेदारों की हक तलफी हो रही है। अगर वो 5 मिनट के लिए चारपाई बिछा के 2 किलो खा लेंगे तो क्या क़यामत आ जाएगी यार, बर्दाश्त भी पैदा कर ले। आप बताइए जरा, इस तरह की चीजें 5 मिनट में सूखती हैं? कहते हैं कि हम धूप लेने के लिए आते हैं। भाई बात यह है कि जब आप चारपाई बिछा लेती है मोहल्ले के अंदर, तो चलिए हम लोग तो गुजर जाती है, बट और बटरी भी उधर ही रहती है। जरा पूछे, कई दफा बेचारे उधर खड़े होके चार भाई के पाए के पास हाल में जा रहे होते हैं, तो उठा ले यहाँ से चार भाई ताकि हम गुजर जाएं। बिल्कुल, आधी से ज्यादा तो गली मौसू की चारपाई ने घेरी होती है, तो बाकी बचा गया जहाँ से बट गुजर जाए, वो बट्टी क्या जो 3 फुट की जगह से गुजर जाए। 2 फुट 3 इंच कद है उनका, कितनी बड़ी चारपाई ये बिछा लेता होगा। यही तो रॉन्ग है, खुद छोटे हैं, चारपाई बड़ी सी है। जुनेद अंकल आज उसी चारपाई पे इतराज है जिस चारपाई पे लेट के आके चौड़े होके कहते हैं निकालो ताश, एक बाजी हो जाए। जब बाजी खत्म होती है उसके बाद कहते हैं चुगताई, अंदर से दूध पत्ती तो मंगवाओ। अब कहां गई वो चारपाई? अरे हम कोई बदमाश नहीं है जो दूध पत्ती पीते फिरे, और जो वहां पे लेट के ताज मंगवाते हैं वो भी वहां नहीं होता है। लतीफी साहब ऐसी तुसी लड़ाई पाई है, ऐसी किचकिच पाई है। जिनेद साहब वो लतीफी स्टडी खत्म होने लगी है। खत्म होने लगी लतीफी जी, उसे अंडरपास बनने लगा जी। ओ भाई कौन सा अंडरपास है, मैं देखूंगा कौन उधर अंडरपास बनाता है, मेरी लाश तो ही अंडरपास बनेगा। आपकी लाश चली जाएगी तो फिर अंडरपास की जरूरत ही नहीं रहेगी। बहुत बना बनाया ब्रिज मिल गया ना। नहीं जो हम एहतजाज कर रहे हैं, हमने उधर बैनर लिख के लगवा दिया है। अच्छा, जो इधर आएगा अंडरपास बनाने के लिए, लतीफी स्ट्रीट को खत्म करने के लिए, हम दो दो हाथ हो जाएंगे उसके साथ। तो आपको पता है कि नए आईजी ने कहा है कि जिस बंदे ने भी ऐसी तिड़बिड़ की उसको पकड़ के अंदर कर दूंगा मैं। ईमान से? हाँ हाँ। तो आपके दोस्त नहीं है? कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है उनकी। बट क्या ख्याल है? फिक्र ना करो लतीफी भाई, मेरी लाश से गुजर कर ही अंडरपास बनाएंगे। ये बात है। ओ लतीफी साहब ए दी गल्लां च ना आओ, इहो जे बंदे पहलो ही तणियां लाउंदे ने, बाद च उसे अंडरपास ते कई दाबड़ा फड़ के मजदूरी कर रहे हुंदे ने। और लोगों को बता रहे होते यहाँ मेरा घर था।